हेलो एवरीवन, देखिए आप थीमेरिकल्स करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। देखो क्वेश्चन नंबर वन में क्या कहता है, कहता है अ सैम्पल ऑफ गैस जिसमें जो गामा है, गामा क्या क्या है हमारे पास, हीट कैपेसिटी रेशो, ठीक है 1.5, इज़ टेकन थ्रू एन एडियाबेटिक प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम इज़ कंप्रेस्ड फ्रॉम 1600 cc टू 400 cc। यानी कि कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। जब कंप्रेशन होता है तो वर्क डन किस पर हो रहा होता है, ऑन द गैस हो रहा होता है, ठीक है। तो 1600 cc से 400 cc, यानी कि जो T1 है यहाँ पर 1600 cc है, और जो T2 है वो कितना हो गया, 400 cc। cc मतलब बताओ क्यूबिक सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर का क्यूब होता है ऊपर, ठीक है ना, इस तरीके से होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर लिखते हैं ना हम, सेंटीमीटर का क्यूब है ये, इसको ही cc बोल देते हैं हम, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, और सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। कहता है इफ द इनिशियल प्रेशर इज 150 kPa, इनिशियल प्रेशर इट मीन्स P1 इज 150 kPa में है, ठीक है। फाइंड द फाइनल प्रेशर, यानी कि हमें P2 फाइंड आउट करना है, एंड हाउ मच वर्क डन ऑन द गैस, ऑब्वियस बात है कंप्रेशन था तो वर्क डन ऑन द गैस की हमें बात करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम P2 निकालते हैं, फाइनल प्रेशर, ठीक है। वर्क डन का तो फॉर्मूला हमें पता ही है, ठीक है। पहले हम प्रेशर 2 निकालेंगे तभी हमारा वर्क डन भी निकलेगा, ठीक है। तो हम P2 किस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर आपको याद हो PV गामा इज इक्वल टू हमारे पास कांस्टेंट था एडियाबेटिक में, याद आया कुछ। अगर आइसोथर्मल की बात करो तो PV इज इक्वल टू में NRT था, तो जिसमें हमने कहा था यहाँ पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, आर तो होता ही कॉन्स्टेंट है, एन भी यहाँ कॉन्स्टेंट रहता है, तो ये PV इज इक्वल टू में कॉन्स्टेंट आ गया था किसमें, आइसोथर्मल में, ठीक है। और एडियाबेटिक में ऊपर गामा आ जाता है, गामा क्या है हमारे पास, हीट कैपेसिटी रेशो होती है, बताया हुआ है आपको बहुत बार मैंने, ठीक है। क्या होती है हमारे पास, CP/CV होती है, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आ रही है चीज़, ठीक है। CP क्या होता था इसमें, मॉलिकुलर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और ये क्या होता था हमारे पास, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होती थी, ठीक है। चलो अभी इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इतनी, लेकिन हमें गामा पता होना चाहिए कि क्या है। अब अगर कांस्टेंट है तो मतलब क्या है ये, कि पी मल्टीप्लीकेशन ऑफ वी, यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूँ P1 V1 गामा इज इक्वल टू होगा वो P2 V2 गामा। कांस्टेंट का मतलब यही है ना कि पी और वी का जो मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। जैसे हम कहें कि नॉर्मल हम PV की बात करते हैं, इसमें गामा पावर की बात नहीं कर रहे नॉर्मली आपको समझाने के लिए, तो ये अगर कांस्टेंट था तो मैंने आपको क्या बोला था, P1 V1 इक्वल टू क्या है, P2 V2 है, क्यों है। अगर मान लो प्रेशर पहले है कितना, अगर हम ये बात कर रहे हैं प्रेशर मान लो कितना हो गया हमारे पास 4, ठीक है 4 है प्रेशर, और वॉल्यूम क्या है हमारे पास मान लो कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। इस केस में ये हो गया और ये हो गया, तो ये 20 आ रहा है ना इनका, ठीक है। तो P2 V2 भी और कैसे आ सकता है, ये भी सेम रहना चाहिए, क्या कैसे हो सकता है ये बताओ, बताओ जरा किस तरीके से हो सकता है। ये ऐसे हो सकता है कि प्रेशर कितना हो गया मान लो, प्रेशर हो गया मान लो 2 और वॉल्यूम हो गया 10, वॉल्यूम बढ़ गया तब भी ये 20 आ रहा है ना। तो मतलब ये था कहने का कि अगर एक्सपेंशन हो रही है तो देखो प्रेशर क्या हो गया कम, वॉल्यूम बढ़ गया, तो ये चीज़ हो रही है ना, लेकिन वैल्यूज़ तो सेम है। तो वही कहानी है कि अगर इस तरीके से कॉन्स्टेंट हमने लिख दिया तो P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, तो यहाँ से निकल जाएगा देखो हम, हमारा P2, देखो P1 कितना है हमारे पास 150। अब ये किलो पास्कल में ही रहने दो, किलो को चेंज करने की जरूरत नहीं, 10³ में ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ताकि आंसर भी किलो पास्कल में आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और पास्कल में लेना है तो आप पास्कल में भी ले सकते हो, 150 इंटू में किलो है तो 10³ पास्कल हो गया ये, ठीक है। V1 देखो अब हमारे पास V1 क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ देखो अगर आप देख पाओगे, इसने हमारे पास जो ये वॉल्यूम लिखा हुआ था, ये मैंने T1 T2 कर दिया सॉरी, ठीक है। ये वॉल्यूम्स हैं हमारे पास, यहाँ ये V1 है और ये वाला क्या है हमारा V2 है, ठीक है। वॉल्यूम है ना ये सेंटीमीटर क्यूब, और ये CC किस में होते हैं हमारे, वॉल्यूम में होते हैं, ना कि टेम्परेचर, तो केल्विन और सेल्सियस में होता है, ठीक है। सॉरी ये कर लेना ठीक है आप यहाँ पर, तो ये चीज़ समझ में आई आपको। तो 150 इंटू में 10³, अब वॉल्यूम 1 ये वाला है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा पहले रीअरेंज करूँ, इसको रहने दो, अगर देखो ज़रा ये P1 V1 गामा, ये V2 गामा यहाँ आ जाएगा, ये रहा इधर P2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ P1 V1 V2 की पावर गामा। अब देखो वैसे अगर आप इसको चेंज करना चाहोगे ना, ठीक है, मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब है ना ये, मीटर क्यूब में जब चेंज करना चाहोगे तो कैसे करोगे वैसे समझो ज़रा। देखो 1600 है, ठीक है। नॉर्मल एक सेंटीमीटर को जब मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करता हूँ बताओ,
मीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर को तो 1/100 करता हूँ, ठीक है। ऐसे ही तीन है सेंटीमीटर और 3 m³ बनेंगे ना इसके, ठीक है। तो क्या करोगे, 100 और लगाओगे, 100 और लगाओगे, समझ रहे हो ना। 3 cm है ना, तो 3 m करने पड़ेंगे तभी मीटर क्यूब बनेगा। तो 1 cm को मीटर में करने के लिए 1/100, तो 3 को करने के लिए क्या करोगे बताओ, 1/100 × 1/100 × 1/100 तब बनेगा मीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या है, 3 cm है। तो यानी कि ये कितना बन रहा है अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये बन गया 1/ में कितनी जीरोज आ गई है, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये एक तरह से ऐसे हो गया 1/ में 10^6 मीटर क्यूब, और भी कैसे, 10^-6 मीटर क्यूब। तो यानी कि यहाँ पर अगर आपको समझ में आ रही है कहानी कि सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है अगर हमें मीटर क्यूब में, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10^-6 से, तब वो मीटर क्यूब में बनेगा। जैसे सेंटीमीटर को चेंज करना है हमें मीटर में, तो हम क्या करते हैं 1/100 यानी कि 1/ में 10^2, इट मीन्स 10^-2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 cm को अगर मीटर में चेंज करना है तो 10^-2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या किससे करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में करना है तो 10^-6 से। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1600 × 10^-6 मीटर क्यूब, 1600 × 10^-6 मीटर क्यूब। देखो अभी यहाँ पर तो हम चाहे ना भी करें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, लेकिन अभी जब मैं वर्क डन निकालूंगा ना तो वहाँ चेंज करना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि जूल में आंसर चाहिए हमें, तो ये सारे हमें SI में कन्वर्ट करने पड़ेंगे इस तरीके से। समझ पा रहे हो बात को या नहीं बताओ, ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास हो गया, ठीक है, मीटर क्यूब में आ गया, तो यहाँ पर जब मैं वैल्यूज रखूँगा, P1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 150 kPa, यानी कि 150 × 10^3 pascal। मैं नॉर्मल आपको करके दिखाता हूँ, 150 × 10^3, और वॉल्यूम 1 कितना है हमारे पास, देखो 1600 × 10^-6, और नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 400 है ना, यहाँ ये 400, आज क्या हो रहा है, ये आ गया 400 × 10^-6, ठीक है। और गामा कितना है हमारे पास, यहाँ गामा गिवन है हमें 1.5, ठीक है, तो ये आ गया 1.5। तो मैं ये कह रहा था आपको इस केस में, क्योंकि डिवाइड में है ना, तो ये ना भी करो आप कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये यूनिट कट ही जाने, अगर मैं यहाँ क्यूबिक सेंटीमीटर रखता, क्यूबिक सेंटीमीटर में रखता, तो वो कट ही जाने थे अपॉन में, है ना। तो करो चाहे ना चेंज मीटर क्यूब में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी करना सीख लो ताकि कहीं पर भी कन्फ्यूजन ना रहे कि किया नहीं, करते रहो आप, चाहे जरूरत है या नहीं है, ठीक है। तो देखो ये इससे कट गया, 2 0 इससे कट गई, एंड 4 4 16। अब देखो 1.5 को सोल्व कैसे करना है, देखो 150 × 10^3 × 4, 1.5 है ना, पॉइंट हटाओ 10 आ गया, 5 3 5 2, ठीक है। इसको देखो करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, तो 4³, 4 4 16 4 64, 64 इसको ऐसे लिखो समझो, पहले 4 है ना, ये 3 लिखा मैंने और इंटू में 1/2, तो 4³ कितना हो गया हमारे पास, 64, ठीक है, क्यूब हो गया, और इसकी पावर 1/2 करो, तो 1/2 मतलब क्या, स्क्वायर रूट हो गया, 64 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 8 आता है, ठीक है। और साथ में ये चल ही रहा है हमारे पास, 150 × 10^3, 150 × 10^3, 150 × 10^3, समझ रहे हो या नहीं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 15 × 8 = 120, और एक जीरो साथ में है, और इंटू में क्या है, 10^3, तो ये पास्कल में इसका आंसर आ गया, ये P2 है, सॉरी, ठीक है, P2 चल रहा है ना ये, यहाँ पर पास्कल में आ गया हमारे पास फाइनल प्रेशर, ठीक है। किलो पास्कल में लिखना है तो क्या लिख दोगे, 1200 × 10^3 हटा दोगे तो किलो लगा दोगे, और ये पास्कल में इसका आंसर आ गया, समझ रहे हो इतनी बात, बताओ। वर्क डन मैं यहाँ निकाल देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो वर्क डन, नॉर्मली वर्क डन जो मैंने आपको एडियाबेटिक प्रोसेस में बताया था, अगर आपको याद हो, एक तो था R/1 − γ, अगर याद हो आपको, T2 − T1 था, ठीक है, और एक और था हमारे पास, क्या था, ये था हमारे पास P2V2 − P1V1 − γ, इसी से ये बना था हमारा, क्यों, क्योंकि देखो PV = nRT, N1 था तो PV = rT, तो P1V1 = rT1, ठीक है, और P2V2 = rT2, तो यही रखा था हमने, P2V2 की जगह rT2 और P1V1 की जगह rT1, फिर R कॉमन ले लिया था तो ये बन गया था। लेकिन अभी हमें ये वाला चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो ये जो हमने निकाला था ना, ये वर्क डन किस पर था, बाय द गैस था, ठीक है, ये जो फॉर्मूला हमने निकाला था। अब ऑन द गैस में क्या करेंगे, हम पहले आंसर निकाल लेंगे, ऑन द गैस में क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है वर्क डन, बस माइनस लगा देंगे बाद में, ठीक है। तो देखो जरा, तो यहाँ पर P2 कितना आया था हमारे पास, 1200 किलो था ना पास्कल, तो 10^3, और V2 इज हमारे पास, यहाँ से देखो ये यहाँ पर सब मीटर क्यूब में लिखने पड़ेंगे आपको, याद रखना ये चीज़, ठीक है, क्योंकि
किलो पास्कल, उसको भी हमने पास्कल में चेंज किया, और जो वॉल्यूम्स है इनको भी मीटर क्यूब में चेंज करना ही पड़ेगा, तभी जूल में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास वी टू इज़ 400 इंटू में 10^-6 मीटर क्यूब। पी वन कितना है हमारे पास, पी वन गिवन था हमारे पास 150 किलो पास्कल, तो इसको भी पास्कल में चेंज करेंगे 10^3 हो गया, और वॉल्यूम 1600 इंटू में 10^3 सॉरी माइनस का 6, ये आ गया हमारे पास मीटर क्यूब में। क्लियर, और 1 - 1.5 इज कितना हो जाएगा ये बताओ, 1 माइनस में कितना होगा, ये गामा माइनस वन था, ये 1 माइनस गामा नहीं है, ठीक है ध्यान में रखना, ये गामा माइनस वन था फॉर्मूले में, और यहाँ भी ये गामा माइनस में 1 है, तो 1.5 - 1 होगा। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करना है, सिंपल सी कहानी है। देखो 12 4 का कितना हो गया 48, ठीक है इनटू में, अब देखो ये 10^2 है यहाँ, और ये 10^3 कितना हो गया 10^5 इनटू में, ये 10^-6 यहाँ पर, ये दो जीरो है तो 10^2 है ना, 4 इंटू में 10^2 हो गया ना, क्योंकि इसको मैंने ऐसे किया, देखो 1200 को ऐसे लिखा 12 इंटू में 10^2, तो 10^2 और ये 3 5 हो गया, फिर 400 को ऐसे लिखा 4 इंटू में 10^2, अब ये 10^2 माइनस 6 के साथ जाएगी तो -4 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया 4 इंटू में 10^-4, ठीक है माइनस में सेम यहाँ पर करेंगे 15 इंटू में ये 10^4 बन गया, इसके साथ इंटू में ये 16 इंटू में ये 10^2 ये -6 10^-4 बन गया। तो यहाँ तो देखो ज़रा 48 को 4 से करो, 48 था कितना हो गया ये हमारे पास 48 सॉरी यहाँ पर 12 4 था ऑलरेडी कर चुके थे हम, तो यहाँ 4 लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना, 12 4 था 48 लिख चुका मैं। ठीक, तो यहाँ पर सिंपल ये बनेगा 10^5 और -4 10^1 बचा, तो यानी 48 इंटू में 10 कितना हो गया 480, माइनस में यहाँ पर भी सेम चलेगा, देखो 15 को 16 से आप मल्टीप्लाई करो, 15 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 240 आएगा आपके पास। ठीक है, 240 और ये 10^4 - 4 10^0 या किसी भी पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये बचा, और अपॉन में क्या आएगा हमारे पास इसमें बताओ 0.5 आएगा, तो ये कितना बन रहा है हमारे पास 480 में से 240 आएगा, अपॉन में 0.5 है तो अपॉन में 10, वो वाला 10 ऊपर जाएगा, 5 2 10 कितना बन गया ये 480 जूल। अब देखो ये वर्क डन किस पे था, बाय गैस था, अब हमें क्या निकालना है वर्क डन ऑन द गैस, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 480 जूल आ जाएगा, बस इतनी बात ध्यान में रखनी है, माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, यही चीज़ समझनी थी कि जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो वर्क डन बाय द गैस था, तो हमने फॉर्मूला तो लगाया यहाँ पर, लेकिन वर्क डन ऑन द गैस क्वेश्चन में है तो ऑब्वियसली बात है ये हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन सिंपल ही था, कोई इतना मुश्किल तो नहीं था ये क्वेश्चन। ठीक है, कर लोगे इसको, ओके जी, थैंक यू।